तो हेलो दोस्तों, एम आई रेडमी फ़ोन में इस टाइम सभी फ़ोन में MIUI 12-12 वर्जन जो कि अवेलेबल हो गया है MI के सभी फ़ोनों में। अभी तक हमारे भी फ़ोन में अवेलेबल नहीं था। हमारा फ़ोन जो है रेडमी 8 है, इसमें नहीं था। बट जो है अभी इस टाइम 2 मार्च है और आज इसका अपडेट आ गया है। और आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस अपडेट को अपडेट करने के बाद आपको बहुत सारे इसमें सेटिंग करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आपका ये वाला वर्जन स्टार्ट होता है, चालू होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये लगभग 658 MB का अपडेट है। काफ़ी फ़ोन में पहले ही आ जाता है और काफ़ी फ़ोन में क्योंकि लेट आता है। तो मेरा एक दोस्त था, उसी का भी रेडमी 8 ही फ़ोन था, लेकिन उसके फ़ोन में लगभग एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले आ गया था। तो सबसे पहले मैं फटाफट अपना नेट चेक करता हूँ, मेरे फ़ोन में नेट कितना है। मैं अपने माई जियो ऐप में गया और इसमें भी चेक करता हूँ मेरे फ़ोन में भी नेट कितना बच रहा है। और मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कितना नेट है। तो 788 इसमें MB नेट है, तो जो कि अपडेट करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। और हमारा अपडेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 652 या कुछ MB का है, इसे भी देखता हूँ। तो हमारा जो अपडेट है 658 MB का है। तो मैं इसको फटाफट से अपडेटिंग में लगाता हूँ। तो मैं अभी इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो भी मुझे स्पीड 783 KB का मिल रहा है। तो सो आप देख सकते हैं इतना स्पीड दे रहा है, और बहुत ज़्यादा खास स्पीड नहीं है, फिर भी अच्छी खासी स्पीड मिल रही है जो कि जल्दी ही अपडेट हो जाएगी। तो मैं थोड़ी रुक रुक के वीडियो कट कट करके आपको दिखाऊंगा कितनी देरी में अपडेट हो रहा है। तो अभी 4:11 हो रहे हैं और मैं यहीं पे वीडियो को रोकता हूँ और कुछ टाइम के बाद फिर से ओपन करता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं 4:27 हो चुके हैं, हमारा अपडेट 24% हो गया। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ और आप देख सकते हैं 4:33 हो रहे हैं और 49% जो कि मेरा अपडेट हो चुका है। और फिर से मैं इसे स्टॉप करता हूँ और अभी आप देख सकते हैं 4:37 हो रहे हैं और 82%। और फिर उसके बाद 4:39:37 ये 83%। सो आप देख सकते हैं अभी मेरा फ़ोन जो है पूरा क्लियरली अपडेट हो गया है। अब इस ये रिबूट करने को बोल रहा है और मैं फटाफट से अपने फ़ोन को अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं MIUI 12 वर्जन में। तो मैं अभी अपने फ़ोन को अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसकी कैसी कंडीशन रहे। तो अभी हमारा फ़ोन पूरा फाइनली अपडेट हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पैनल वगैरह सब कुछ, जो कि फ़ोन पूरा मेरा क्लियरली अपडेट हो गया है। और अपडेट होने के बाद हमें ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं जो कि शाम हो गई है और मैं इसको अपडेट 4 बजे कर रहा था और मैं उस टाइम अपडेट नहीं किया। और अपडेट कर अभी मैंने रिबूट अभी किया और अभी जो मेरा फ़ोन रिबूट किया है ये 8 बजे हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ देखने में अच्छा लगता है। और अबाउट फ़ोन जो कि हमारा वर्जन 12 वर्जन इस टाइम अपडेट हो गया है। भाई आप देख रहे हैं हमारा नोटिफिकेशन जो पैनल है कुछ दूसरी टाइप का जो कि आपको देखने को जैसे मिल रहा है। अभी मैं इसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे चेंज होगा, कैसे आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको कैसे सेटिंग करनी पड़ेगी। सो यही जो कि मेन टॉपिक है, यही सबसे चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आती है, जो कि इसका नोटिफिकेशन पैनल चेंज हुआ है इसमें। तो उसको चेंज करने के लिए अभी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है, सिक्योरिटी अपडेट हुआ है, नोटिफिकेशन पैनल, डार्क मोड, काफ़ी कुछ वगैरह वगैरह अपडेट हुआ है। सो अब मैं अगर आप खुद से सेटिंग पहले ढूंढना, अगर आपको सेटिंग ना मिले तो आप मुझे कमेंट में एक बार बता देना कि आपको सेटिंग नहीं मिली, तो मैं इसकी भी एक वीडियो ले आऊँगा जो कि आप देख सकते हैं किस टाइप की वो वीडियो है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ यार वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और चैनल पे आप हमारे नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सो मिलते हैं नए वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।